नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाथरवारा निवासी दो व्यक्तियों की जहरीली वस्तु का सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। कटंगी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा के दो व्यक्तियों की जहरीली वस्तु का सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पाथरवाड़ा निवासी मोहन चौधरी और सीताराम चौबे रविवार की शाम अपने घर से धोबी टोला गए हुए थे। परिवार को देर रात सूचना मिली कि मोहन और सीताराम जोगा टोला और रैयतवाड़ी के बीच बिजली के ट्रांसफार्मर के पास गिरे हुए हैं, जिसके बाद किसी के द्वारा 108 को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों ही व्यक्तियों को उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाया गया। यहां पर सीताराम की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। वहीं कटंगी में मोहन चौधरी ने भी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पीएम करवाया है, जिसमें प्रथम दृष्टया जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत होना प्रतीत हो रहा है। पीएम के बाद पता चला है कि सीताराम और मोहन ने शराब का सेवन कर रखा था, इसके बाद ही भोजन भी किया था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि भोजन में किसी तरह का कोई जहरीला पदार्थ था या जहरीली शराब पीने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। दो व्यक्तियों की मौत हुई, ऐसा अनुमान प्रथम दृष्टया लगाया गया कि जहरीली शराब का सेवन करने से इनकी मौत हुई है। अभी तक क्या जांच में सामने आया है? यह आज ऐसी सूचना हमारे पास आई थी और इस सूचना के आधार पर ही तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए एवं उसको सबसे पहले तो वेरीफाई करने के लिए मैं कलेक्टर साहब, SDM, SDOP, तहसीलदार, थाना प्रभारी सभी आसपास के क्षेत्र में इस सूचना को वेरीफाई कर रहे हैं। उससे पहला जिस गांव में ये दोनों ही मृत्यु हुई हैं उनसे भी पता किया, उनके परिजनों से भी जानकारी प्राप्त हुई कि ये समीपस्थ एक और गांव है जिसके यहाँ ये लोग अपने परिचय में गए हुए थे, क्योंकि ये धोबी टोला बताया जा रहा है, पास में एक सुरेश थाना क्षेत्र में गांव है, जहाँ जाके ये अपने परिचित हैं शिव कुमार, जिनके साथ इन्होंने बातचीत की, वहाँ बैठे थी, उनसे भी शिव कुमार से भी हमने पूछताछ की है। उनसे पूछताछ में भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब से भी हम लोगों ने बात की है कि उन्होंने क्या उन्हें जो सिम्टम दिखे, जब एक जैसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कटंगी हॉस्पिटल पहुंचे तो वो पहले से ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तथा दूसरे व्यक्ति जो कटंगी हॉस्पिटल में आते वक्त कुछ तबीयत खराब थी, दोनों ही सिम्टम के आधार पर भी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें इंगित की हैं। और उन दोनों ही एंगल से, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में जहरीली शराब का इसमें उल्लेख किया गया है, परंतु जो तीसरा व्यक्ति था गांव धोबी टोला का जो इनके साथ था, जिन्होंने साथ में खाए पिए जो साथ में थे, वो पूर्णतः स्वस्थ, उनका मेडिकल परीक्षण भी अभी हम लोगों ने कराया। इसी कारण से दूसरा भी हम लोग इसमें एंगल सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब की भी रिपोर्ट के आधार पर अभी उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप की भी चीज़ें, जैसे जो कई बार कीटनाशक में होती हैं, वो भी हो सकता है। तो ऐसे विभिन्न तीन चार चीज़ें हैं, अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे, पर एहतियात के तौर पर अभी शाम से ही जैसे सूचना मिली है तो अपने बालाघाट में कटंगी पिरोड़ी क्षेत्र के कम 20 से 25 गांव हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिसमें कि सभी ग्रामीणजनों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी विभिन्न टीमें रवाना भी हैं और भी टीम सभी रवाना हो रही हैं, जो मृतक गए हैं उसके भी पुराने कल वो किसके से मिले, कहाँ उनकी बातचीत हुई, क्या उनका है, वो सब चीज़ें भी हम लोग निकाल के उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सिवनी पुलिस भी हमारी मदद कर रही है, SDOP साहब सिवनी से हैं साथ में, तो सिवनी थाना क्षेत्र जो कुरई है उसके भी आसपास के जो 20-25 गांव हैं उनमें भी एक सिमिलर कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि यदि वहां पे भी यदि कोई बीमार तो नहीं है इस चीज़ की तस्दीक करके हम लोग तसल्ली करें। और इस तरह से जो PM के बाद उनका विसरा जब्त हुआ है, जो कुछ सामग्री जहां इन्होंने खाया पिया था, जो कुछ हमें सामग्री मिली है खाने की या बॉटल मिली है, उनकी जाँच के लिए भी हम लोग तत्काल कल ही भेज रहे हैं और जल्दी इससे क्लियर हो जाएगा कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है और आगे कार्रवाई की जा सकती है। सर कुछ